हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा 23 ट्यूटोरियल है शीशाप का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी डिटेल्स को हाइड कर सकें और सिर्फ फंक्शनैलिटी को शो कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको उसके आगे लिखना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। और यहाँ पर देखिए, हम लोग कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक, और ये होगा स्ट्रिंग टाइप का, जिसका मैं नेम दूंगा नेम, और इस नेम में कुछ वैल्यू स्टोर कराता हूँ। इस तरीके से मैंने कोई वैल्यू स्टोर करा दी। अब एक और वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें तो पब्लिक स्टैटिक, इसे हम देते हैं इंटीजर टाइप का इंट, और इसे नेम देते हैं ए, और जिसमें हम वैल्यू स्टोर क्या कराएंगे 45। इस तरीके से अब देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देखिए ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट नहीं होगा। तो देखिए क्लास वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम ओबीजे, इस तरह से मैंने दिया न्यू क्लास वन। तो देखिए यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा होगा एरर। ये एरर इसलिए है क्योंकि आप ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। अगर आपके इसके वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आप सबसे लेंगे क्लास का नेम, फिर लिखेंगे डॉट, और उसके बाद देखिए आपको यहाँ नेम दिख रहा होगा ए और नेम, तो इन दोनों को आप एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए एक और चीज़, आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं पब्लिक, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट, और देखिए पब्लिक की स्पेलिंग सही लिखेगा पब्लिक, और फिर लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट, और फिर हम देंगे void, किस टाइप का रिटर्न टाइप है जो कि है void, यहाँ लिख रहे हैं void, और फिर चलते हैं अपने मेथड का नेम जो कि है मैसेज, दे रहा हूँ मैं मैसेज, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे एक स्ट्रिंग मैसेज को पास कर देंगे। तो यहाँ पर सही से लिखिएगा स्ट्रिंग मैस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब देखिए, जो भी एब्स्ट्रैक्ट हमारा मेथड होता है उसकी कभी भी बॉडी नहीं होती है, और अगर आप यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसका नेम, क्लास का नेम आपको एब्स्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर से एब्स्ट्रैक्ट हटा देंगे तो एरर आ जाएगा। अब देखिए इस मेथड को ओवरराइड कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास का नेम रखते हैं क्लास टू, और जो कि इनहेरिट क्या करेगा हमारी क्लास को, क्लास वन को इनहेरिट करेगा, यहाँ लिखते हैं क्लास वन, इसने इसको इनहेरिट कर लिया। अब देखिए इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड को ओवरराइड करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे पब्लिक, और फिर लिखेंगे ओवरराइड, और ओवरराइड हमें कैसे करना है, ओवरराइड हमें करना है चलते मैसेज को, तो यहाँ लिखेंगे void मैसेज, इस तरीके से ये हमारा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कोई भी मैसेज शो करवा सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स डॉट शो, ये कुछ शो करवाएगा, हमारा आउटपुट देगा, और इसे हम लोग क्या इसमें क्या इस तरह से हम मैं इसको इसमें पास कर देते हैं। तो देखिए हमने इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पर ओवरराइड कर दिया। और देखिए जिस क्लास में आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे तो उसकी क्लास आपको बतानी पड़ेगी कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करें, अगर आप इसे हटा देंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल विजय।